हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जिसे नीट के बच्चे जो फिजिक्स से डरते हैं और वो उनकी फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक पुश मिलेगा और वो इस प्रोसेस से अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो जाएगा। तो एक वैसे तो हमारे जो स्टूडेंट हैं IIT दिल्ली, IIT मुंबई, FMC पुणे, मतलब अक्रॉस द कंट्री, ऐसा कोई IIT और IIM नहीं होगा जिसमें लगभग हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं होंगे, लगभग हर जगह हैं। तो बहुत सारे हमने रिजल्ट दिए, बट एक रिजल्ट मेरे, मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ तो नीट वालों के लिए एक अच्छा मोटिवेशन होगा, एक अच्छा पुश मिलेगा उसके, ठीक है। तो एक हमारी स्टूडेंट थी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, और वो जो बच्ची थी, 4 साल उसने 9th में पढ़ा और 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ी, 11th में पढ़ी और 12th में पढ़ी। डायरेक्ट 10th से 12th में कोई नहीं जाता है। तो यहाँ से ये 4 ईयर उसने स्पेंड किए कोचिंग में, पैसे लगाए, टाइम लगाया, सब कुछ, लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम दी तो फाइनली उसके नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स में आ गए उसके 29 मार्क्स, कितने में से, आउट ऑफ 180। तो 180 से फिजिक्स में से 29 नंबर आए और उसका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जब मैं उसको, जब फैकल्टी चेंज हुआ, जब मैं उसको पढ़ाया, तो मैं पढ़ाया था उसको ड्रॉपर बैच में। तो जब मैं उसको एक साल पढ़ाया तो मैं देखा कि वो बच्ची बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, उसका दिमाग बहुत ही तेज है, बट वो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अब आप एनालिसिस करना, आप देखना और कमेंट करना कि कहाँ कमी रह गया था। तो जब मैं पढ़ाया, फैकल्टी अगर चेंज हुआ तो फैकल्टी चेंज होने से एक साल मैंने पढ़ाया और उसके सीधे 29 से 154 मार्क्स आ गए और 180 में से, ठीक है, वो मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता सकता, तो 154 में से आए और उसको टांडा कांगड़ा में ही कॉलेज मिल गया। तो उसके जो सपने थे डॉक्टर बनने के, वो बेसिकली पूरे हो गए। तो इस देश में, हमारे देश में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं यार, जिनकी, जिनका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुकता है। और इस चैनल का मकसद ये है कि बेहतर फिजिक्स का बेहतर कंटेंट नीट लेवल, जे लेवल का यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं है यार, ठीक है। इसका पढ़ लो, उसका पढ़ लो, इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, कन्फ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ कि इस देश में जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है नीट और जेई के लिए, बेसिकली बोर्ड का तो कंटेंट है यूट्यूब पे, बोर्ड वाले तो बहुत बड़े पड़े हैं, तो ये जो चीज़ है वो बेसिकली ये कैसे हुआ और ये कैसे पॉसिबल हुआ, अब आप सोचो कि कैसे ऐसा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो उस सिलेक्शन में बेसिकली 3 लोगों का रोल होता है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, सदियों से होते आ रहे हैं और होते ही हैं। इस वर्टेक्स पे, एक वर्टेक्स पे स्टूडेंट होता है और एक वर्टेक्स पे फैकल्टी होता है जो उसको पढ़ाता है, और एक वर्टेक्स पे उसको पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिल के क्या करते हैं, फैकल्टी, पेरेंट्स और स्टूडेंट, ये तीनों मिलके उस बच्चे का सिलेक्शन कराते हैं। अब इसमें से किसका ज़्यादा रोल होता है, तो सबसे ज़्यादा रोल इसमें स्टूडेंट का होता है। वैसे मैं अपने स्टूडेंट को पहले भी शुरुआत में ही बोल देता हूँ, देखो भाई, IIT में गए, नीट में गए और सिलेक्ट हुए, तो वो मेरी मेहनत है, मैंने तुम पे काम किया, ठीक है, और उसका क्रेडिट मैं लूँगा कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई उसमें तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है बच्चों, वो स्टूडेंट का होता है। और अब देखो यहाँ इस सिनेरियो, इस केस में देखना, स्टूडेंट भी वही था, पेरेंट्स भी वही थी। ये जो फैकल्टी है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। अब यार पेरेंट्स तो चेंज नहीं कर सकते ना, दूसरी मम्मी नहीं लाओगे ना, दूसरे पापा तो नहीं लाओगे, और बच्चा भी वही था, पेरेंट्स भी वही थे, फैकल्टी के चेंज होने से वो उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मतलब ये हुआ कि आप किस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो फैकल्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, फैकल्टी का रोल अब बहुत ज़्यादा होता है यार, क्रूशियल है। अगर आपसे क्वेश्चन स्मूथली हो रहे हैं फिजिक्स में, कॉन्फिडेंटली हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप सही रास्ते पे हो। आपने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया, नीट के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चन ही नहीं, सोल्यूशन तो बात की बात है, तो इसका क्या मतलब है, आप ढंग की पढ़ाई नहीं हुई है,
लेकिन अगर आप नीट के 100 क्वेश्चन करते हो और 80 क्वेश्चन कर ले जाते हो पहले अटेम्प्ट में, तो आपके फैकल्टी और आप बेहतर तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो ये वाली चीज़, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, ये स्टूडेंट जब कोई आपको अच्छा फैकल्टी मिल जाता है तो उस फैकल्टी के बताए हुए तरीके पे काम करो, कंसिस्टेंट मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, जो फैकल्टी कहता है उसके अकॉर्डिंग चलो। अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो अपने अकॉर्डिंग चलना तो घर पे पढ़ ले यार, ठीक है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम होता है, और ये जो फैकल्टी है ज़्यादा नहीं चेंज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेरिएबल एक्स से फिर वाई कर दिए, फिर जेड कर दिए, फिर टी कर दिए, तो तुम पागल हो जाओगे। अलग अलग कौन से, ये अलग बताएगा भाई वेक्टर का डिफिनेशन, ये अलग बताएगा, ठीक है। अलग अलग मतलब ये है कहने का मतलब, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो फिजिक्स की सबसे बड़ी खास यही है, किसी एक फैकल्टी से ढंग से पढ़ो। और आज तो मैं यही कहूँगा कि आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, आपके पास जैसे हम लोग पहले फिजिकल पढ़ाते थे तो कम ही रीजन में पढ़ा सकते, बट ऑनलाइन पूरी इंडिया को पढ़ा सकते हैं, एक ही जगह से पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा सकते हैं यार। तो ऑनलाइन का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अच्छी फैकल्टी सभी के पास अवेलेबल है। तो मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, और अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जुड़े रहो और कमेंट करो। कोई भी डाउट आता है तो आई विल सॉल्व योर डाउट, और फिजिक्स से डरो नहीं यार। तो अपना बहुत ख्याल रखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।